Hello everyone. Cooking area that decomposition reactions require energy either in form of heat or light or electricity. Heat के form में energy चाहिए, light के form में electricity के form में. For breaking down a reactant, reactant को break करने के लिए. Write one equation for each of the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or and electricity. तो हम लोग को एक एक इक्वेशन लिखना है तीनों से रिलेटेड हीट यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में लगे यहाँ पर लाइट या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हीट से रिलेटेड हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ये यहाँ पे हीट एनर्जी रिक्वायर होता है हीट एनर्जी चाहिए इसके लिए तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी दिया जाता है इसको हीट किया जाता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑलमोस्ट 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये CaO + CO2 बना है तो ये एक तरह का हीट से रिलेटेड एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पे हीट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में है तो उसमें अगर लाइट एनर्जी से तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन में एक्चुअली लाइट एनर्जी वर्क करता है जैसे अगर कहीं पर दिया हुआ है AgBr तो अगर इसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं ये 2Ag प्लस Br2 के फॉर्म में ब्रेक होता है तो ये जो होता है यहाँ पे ये फोटो डिकम्पोजिशन कराता है और यहाँ पर ये लाइट एनर्जी और अगर बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है या इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है जैसे हम लोग बात करते हैं 2NaCl अगर ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है तो कंप्लीट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से होगा जब NaCl में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो ये 2Na+ एंड Cl- के फॉर्म में आता है अब यहाँ पर कैथोड पर कुछ होता है कैथोड पर एक्चुअली में 2Na+ जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये 2Na में कन्वर्ट हो जाता है ये प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाता है वो नॉर्मल हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है और एनोड पर कुछ उल्टा होता है ये 2Cl- अपना दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि ये माइनस चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है वापस करता है उससे दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलता है ये Cl के फॉर्म में आ जाता है और जब हम इसको रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है 2Na+ कैंसिल 2Cl- 2Cl- कैंसिल तो ओवरऑल जो रिएक्शन बचता है 2NaCl 2Na प्लस Cl2 तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है तो ये तीनों के एक एक इक्वेशन आपको समझ में आएंगे दैट्स ऑल थैंक यू